बाबू जी पर। क्या बने था? मैं बैठी रेखा के इंतजार कर रहा था। ये कौन इंसान है, मैं इसे पहचान नहीं रहा। सोचा था भैया चीन न पहचान मिया बुबू सलाम बाबू जी पहा लागो तू आशीर्वाद। अरे तो आशीर्वाद तो हर इंसान लेता है। अबे कोई पराया इंसान अगर जन्मी करता है तो जन्मी मत कर, ना नहीं किया जाता। रेखा तुम उससे वादा करके गई थी मैं यार ही सहेल गया। अब तेरा इंतजार करते करते मैं कब से बैठा हूँ। अब आई हो तो साथ में किसको लेकर आई हो? अब फिर भी क्या देख रहा हूँ, शादी का जोड़ा भी तेरे सर पे है। पापा मैं आपसे बताए नहीं, मैं जब कॉलेज पढ़ती थी तो मैंने इसे प्यार करती थी। आज अचानक ये बोले कि रेखा तू मेरे साथ शादी कर ले, मैं तुझे घर में आके चलना चाहता हूँ। मैं बोली पापा कि मैं पापा के बिगड़ नहीं जी पाऊंगी, उनसे जरूर मिलूंगी, सारी बातें बताऊंगी। ये इतनी गलती है और पापा ये कह रहे थे। एक मिनट, तेरी बात को मैं सुन रहा हूँ। तू गई सहेली के यहाँ और इस नए जमाने के दौर में तूने किसी से मोहब्बत करके शादी कर ली। सब कुछ मैं मानता हूँ, शादी तेरी करनी थी मुझे जरूर, लेकिन तू कर ली अपनी मनपसंद शादी ना। लेकिन है कौन, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, ये तो जानना चाहता हूँ। पापा ये खुद ही बताएंगे ना। ये कह रहे थे कि मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, अपने घर के बगल में इनके मामा रहते हैं। हाँ ये कह रहे थे। ऐसे बातें कर रहा हूँ। हाँ पापा पूछ लो, बता देंगे तुम्हारे मामा क्या नाम है। मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो?
मेरा नाम अनुराग है, मेरे पिताजी का नाम अजय प्रताप सिंह और मेरी माँ का नाम सीमा है। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ बाबूजी, और यहाँ मैं अपने मामा जी का गांव पहुंचा हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जानता हूँ। लेकिन ये लड़की कह रही थी कि चलो मेरे पिताजी से जब तुम बताओगे तो तुम्हें जरूर बता देंगे। लेकिन एक ही गलती किया हूँ, कुछ कारण बस मजबूर होकर आपके लड़की से मैं शादी कर चुका हूँ। नेता इधर जाओ तो खाई है, इधर जाओ तो नदिया है, जाओ तो जाऊं किधर जाऊं? एक तरफ मेरी बेटी है, एक तरफ मेरी बहन का बेटा। बड़ी सोचने और समझने की बात है। बेटी तो सगी नहीं है, लेकिन मैंने इसी बेटे के लिए अपनी शादी जिंदगी में नहीं किया, तो मेरी बेटी की समान है। और ये मेरी बहन का बेटा है। भैया हम बना दे पे पड़ा का बहन, भैया जब बता दिया तो कहना ही नहीं करता। अगर ये आपका भांजा है और ये आपकी लड़की है, ये तो आपकी सगी लड़की तो है नहीं, ये तो आपकी सगी लड़की है नहीं, आपने तो इसे पाया था। भैया आप जिस मंदिर पे थे उसी मंदिर पर इस लड़की को आपने पाया था। मानता हूँ, लेकिन भैया आप इससे पूछिए और इससे बात कीजिए कि आखिर मैं आपके पास क्यों आया हुआ है। यानी कहने का मतलब तो अपना परिचय दे चुका, अब मेरी बात तो बेटा है रे। अरे तू बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन एक बात का मेरे दिल में तकलीफ होता है। मेरी वो बहन जो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, आज तक अपना चेहरा नहीं दिखा पाई। भाई बहन का प्यार नहीं समझ सका कि मेरी बहन का होने में, उसी की याद में दिन रात तड़पता रहता हूँ।
इसलिए तुझसे पूछता है मेरी बहन है कहाँ पर। माँ माँ आपको याद करती, लेकिन एक दिन रोती हुई बैठी थी, अचानक मैं पहुंच गया तो मैं जबरदस्ती किया तो उसने बताने लगी। इसके पहले भी जब भी रोती थी तो यही कहती थी कि कुछ नहीं, कुछ ऐसी तुम्हारे पापा से बात हो गई, लेकिन जब बताया आपके विषय में आपका नाम, यही कहती थी कि मेरी जब से शादी हुई तब से मेरे भैया नया बरा पाए और ना ही मैं मिल पाई, सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। और मैं वादा भी किया हूँ कि माँ जिस मंदिर से तुम वहां से आई है, मैं वादा करता हूँ मामा से बात जरूर करूंगा, तुमको उसी मंदिर पर मैं तुमसे जरूर मुलाकात कराऊंगा। लेकिन इतना दिन आपकी लड़की मेरे साथ में पढ़ती थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि आपकी लड़की है। आज मुझे पता चला कि आपकी बेटी है ये रेखा। यही सोच रहा हूं कि अब ये खुशखबरी जब मां को बताऊंगा कि तुमसे मुलाकात हो गई है, तो ये वादा करिए कि आप उसी मंदिर पर एक दिन जरूर आइए और मैं माँ को पापा की चोरी सिलवा कराऊंगा, आपसे मुलाकात कराऊंगा। तेरे कहने का मतलब है हुआ अनुराग कि मैं तेरी माँ से मिलूंगा जरूर और मंदिर में तुम दोनों की शादी करूंगा, लेकिन तेरी पापा के चोरी। खैर कोई बात नहीं, जिस सब में हमारे बच्चों की खुशी उसमें मेरी भी खुशी है। कहा गया है जिस इंसान के पास बेटा नहीं रहता, बेटी देकर बेटा पाता है। तो इसलिए तो यही कहना चाहता है ना कि मेरी माँ मेरे साथ में आएगी। हाँ और आज तो तुम लोगों को मैं जाने दे रहा हूँ, तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो आवाज़ नहीं, लेकिन मैं मंदिर में मुलाकात तुमसे जरूर कहूंगा। लेकिन कहना क्या है कि ताई हलीमा खुशी के आंसू होते हैं, गम के आंसू। किताई हलीमा रे आंसू से आंख को धो के आमिना का लाल पैदा हो गया, सुबह की अजान हो Yeah।
हरा हरा एक खिनान के देवर रहन और देवर वो अपने भौजाई से का कहत रहन मीना क्या कर रही है? मीना कर क्या रही है? घरे में यहाँ जनते नहा काम धंधा करत यहाँ। अच्छा हाँ, बुलाई बुलाओ आप बैठा है हम जाते हैं। देखो घर एकदम सुनसान सा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जब से लाया हूँ तब से मेरा दिल एकदम खुश है। चलिए आराम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ऐसे आराम हो रहा है ऐसे होगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक ठीक है, ओके ओके। जब से सुनली सगुरमा सैया लई चला गवन महाराजा लई चला गवन तब से चोलिया में चुपना बड़ा चोरी मारला बताओ का भा तुम्हारे भैया हैं? हाँ भौजी भैया हैं। अच्छा भैया पता है भौजी नहन बीचे भैया हमका दिखाना ना मुलक भैया हमका पैसा देहन काहे बड़े पैसा देहन तो होगा कह काम धंधा करा कह लेने तो पैसा तो हम कहे पैसा दे यहाँ तो भैया का हम कौनो बढ़िया चीज लिया अकेले रहते घर में हमारे मन नहीं लागत। अच्छा जानते हैं भौजी घर में लिया है टीवी और सीडी लिया है। अच्छा वह देखत रहे नहीं रहे गाना आवत रहा नहीं आवाज चला तू टीवी या सीडिया देख ले उद्घाटन तुहरे नहाते सोचा तय हो चलो चला धीरे धीरे डाला की बहुत ही दुखा यानी रिमोट दबा के चले हैं चला रहा हूं वह गनो बजत रहा है। अच्छा Thank you.
सीमा सो? हाँ मैं। कैसे आ गई? से आ गई। मेरा अधिकार है, मेरा घर है, मैं आपके कमरे में आऊंगी, आपसे मिलने आऊंगी। इसमें कहने क्या बात है, कैसे तुम आ गई? वाह, आज अधिकार जमा रहे हो तुम। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मनमानी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। अपने मन का काम कर रहे हो। मैं तुमसे कह दिया था ना कि अगर कोई घर में काम होगा तो बिन मुझसे कुछ काम नहीं होगा। कौन सा काम मनमानी हो गया कि आपके बिना सलाह से कार्य हो रहा है? और अगवा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ आगे क्या कर रहा है नहीं जानते हो तुम? मुझे क्या पता। वाह सीमा वाह, तुम मुझसे छिपा रहे हो? नहीं मैं छिपाती नहीं। बात क्या है साहब, साहब बताओ। बात क्या है, आप साइड में गए, मैं इससे कुतिया से मिलना चाहती हूँ। इसकी क्या औकात है, कैसे अधिकार जमा रखी है तुम्हारे ऊपर? साल की मेरे सामने आपके ऊपर बैठेगी। हराम खाओ, तेरी जरूरत कैसे हुई? तेरी हिम्मत ये कैसे पड़ी सीमा, तेरी हिम्मत। उठाते हुए अरे किया मनमानी का काज तू बेटे, आज करके दिखाया खला है तुझे। तुम जान रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता। जा बेटा शादी करके घर में बहू लाओ, बेटा शादी करके घर में बहू लाएगा, हम यहाँ कालू निकोलेंगे बैठ कर। अच्छा वाह, हमारी कोई इज्जत नहीं। वही मैं तुमको दिखाना चाहता था, अगर तुम माँ बेटे बड़े भाई काम कर सकती हो तो हम भी बड़ा मन काम कर सकते हैं। अच्छा एक बात आप ये बताएं। क्या बताएं? आपका इकलौता बेटा सयाना हो गया है तो शादी क्या आप नहीं करेंगे? कौन सी माँ और कौन से पिता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है? तुम मुझसे पूछा? अरे पूछने की बात, मैं तो आपसे बताती जरूर ना, आज नहीं कल जरूर। मैं कह दिया था कि मेरे चीते जी कुंदनवा से मुलाकात नहीं होगी, मगर तेरा बेटा चुपके चुपके उससे बात करके उससे अपने मामा से मिलने चला गया। हराम खोर, ये बता, मुझसे पूछा? नहीं पूछा, मैं सारी बात सुन रहा था। यही मुझसे गलती हुई। निकली पाजीरी चिगवा, सोचती है
पता नहीं। सच्ची से जो मैं कर रहे हूँ अरे सुन क्या पता चलेगा। अरे मार कर खींचू तेरी खाल, कर दू तुझको मैं बेला। तेरे भाई सिंह है कि मैं तुझे गंदी नाले से उठा के लाया था, अब तू उसी गंदी नाले में जाएगी। अपने भाई को गर्व से बहुत प्यार करती है ना, तो जा जा अपने भाई के पास, देखता हूं तेरा वहां जीवन बीतता है। जीवन नहीं बीतेगा। और उस नालायक को मैं पढ़ाया लिखा है किस लिए? इसीलिए कि आज अपनी मनमानी करेगा। कदा अपने किसी ना कोई भी बहन बेटी उसका गुजर उसके मायके मिलने से तारा हंसे ये कोरे चलाबू चली जाया हाथ से ना ओ बाबू जा।